देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू से हालत बेहद गंभीर बने हुए हैं। अभी तक 8,276 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 4 सालों के मुकाबले यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसके सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि 6,739 मामले सिर्फ इसी महीने में आए हैं। इसमें से 1,148 मामले बीते हफ्ते में आए। एमसीडी के द्वारा जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक इस साल 9 लोगों ने डेंगू से अपनी जान गंवाई है, जबकि इससे पहले साल 2017 में डेंगू से 10 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि इस साल डेंगू के सबसे ज्यादा मामले उत्तरी दिल्ली में आए। क्षेत्र में कुल 2,389 मामले आए, जिसमें 237 मामले बीते हफ्ते आए। दक्षिणी दिल्ली की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ इस साल 2,298 मामले आए, इसमें से 242 मामले बीते हफ्ते आए। वहीं पूर्वी दिल्ली में इस साल डेंगू के 931 मामले आए, जिसमें से 192 मामले बीते हफ्ते आए। दिल्ली कैंट इलाके में डेंगू के 132 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 21 मामले बीते हफ्ते में आए। दिल्ली में इस साल चिकनगुनिया के 89 मामले आ चुके हैं, जबकि इस साल मलेरिया के 176 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के सोमवार को 34 नए मरीज सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमण दर मामूली रूप से बढ़कर 0.08% हो गई, जबकि रविवार को ये 0.06% थी। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 36 रही। स्वास्थ्य विभाग की माने तो दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14,40,900 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 14,15,517 मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।